नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास ट्वेल्थ का स्टेट जिसमें चैप्टर नंबर 2 चालू किया था। बच्चों, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें बच्चों मैंने वहां पर कार्ल पियर्सन का एक सूत्र चला दिया है। आज हम बच्चों दूसरा सूत्र सीखने वाले हैं, ठीक है। कार्ल पियर्सन का मेथड का दूसरा सूत्र सीखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब दूसरा सूत्र सीखने से पहले बच्चों, पहले हम पहचान कर लें कि दूसरे सवाल में दूसरे सूत्र को हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें यही सूत्र लगाना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कंडीशन लिखा हुआ है, इस कंडीशन को आप भी अच्छे से पहले समझ लो। जब सवाल के अंदर बच्चों माध्यक की कीमत x बार और y बार की कीमत क्या होगा बच्चों, अपूर्णांक संख्या होगी। अपूर्णांक संख्या का मतलब बच्चा होता है, अपूर्णांक संख्या का मतलब होता है बच्चों पॉइंट में हो। क्या हो बच्चों? पॉइंट में हो। चलिए दूसरा तरीका क्या है बच्चों, चल x और y की कीमत कैसी होगी बच्चों, छोटी छोटी होगी, तब समझ जाना इस सूत्र का उपयोग करना है। या तो एक दूसरा तरीका बच्चों मैंने आपको बताया है कि जब सवाल के अंदर 1 से 30 तक अगर कीमत दी गई हो, 1 से 30 के अंदर अंदर अगर कोई कीमत दी गई हो, तो समझ जाना बच्चों इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। अब ये सूत्र क्या है बच्चों, सूत्र को समझ लो। R बराबर n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, रूट के अंदर n एक्स का होल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, रूट में n वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर x x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y y हो जाएगा। बस बेटा, सूत्र कोई हार्ड नहीं है, लेकिन जब आप सूत्र को जब 2-3 सवालों को प्रैक्टिस करोगे ना, तब ऑटोमेटिकली आपको सारे सूत्र आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब बच्चों चलिए समझ लेते हैं कि हमें इस सूत्र को कितने स्टेप्स के अंदर कंप्लीट करना रहेगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, सारे स्टेप्स में आपको बताने जा रहा हूँ कि कितने स्टेप्स के अंदर आपको कंप्लीट करना रहेगा। स्टेप नंबर 1 में आपको कोष्टक बनाना है। कितने कोष्टक? 5 कोष्टक। एक्स और वाई आपको पहले से दिया होगा, एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, आपको 3 कॉलम एक्स्ट्रा रेडी करना रहेगा। स्टेप 2 में आपको मध्यक निकालना है, एक्स बार वाई बार। और बच्चों स्टेप नंबर 3 में बच्चों आपको सूत्र लगाना है, बस ये वाला। क्लियर हो गया? तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करते बच्चों, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलो बच्चों, तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझो, कहना क्या चाह रहा है, फिर उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए देखिए, एक शहर में रहने वाले बालकों को गणित एवं वितर्क ज्ञान की क्षमता के बीच संबंध ज्ञात करने हेतु एक शैक्षणिक संस्था अलग अलग पाठशालाओं से चयन किए गए 6 बालकों को गणित तर्क ज्ञान आधारित 20 पहेलियां हल करने के लिए देती है, तो उन बालकों के द्वारा सही हल प्राप्त किए गए हो ऐसे पहेलियों की संख्या दी गई है बच्चों। अब मैंने बताया था बच्चों, पहले वाले को x और दूसरे वाले को y मान लेने का, बस। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सहसंबंधांक मतलब r ज्ञात करना है। कौन सा सूत्र लगाना है वो आपको पता चल गया होगा। आप ध्यान से देखो, x और y की कीमत, चल x और चल y की कीमत छोटी छोटी है, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 30 के अंदर अंदर वैल्यू है ना। आप देख सकते हो, क्या 30 से बड़ी वैल्यू कोई है? नहीं, 1 से 30 के अंदर अंदर वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, तो यहाँ पर ये वाला सूत्र लगेगा। क्लियर हो गया? अब ये वाले सूत्र के लिए बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रेडी कर लिया है, क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते बच्चों। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सबसे पहले x का टोटल मारो बच्चों। तो x का टोटल मारोगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 58। अब y का टोटल मारो बच्चों, तो y का टोटल मारोगे कितना आएगा, 61। ये हो जाए बच्चों
उसके बाद आपको स्टेप नंबर टू एक्स बार वाई बार निकालना है। चलिए एक्स बार कितना दिया, सिग्मा एक्स आई कितना दिया है 58, एन एन गिन लो बच्चों कितने एन है, 1 2 3 4 5 6 कितने बच्चों, तो यहाँ पर देख लो बच्चों कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे। तो बच्चों जब 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 9.67। चलिए वाई बार कितना दिया है बच्चों, वाई बार बराबर 61, एन कितना दिया 6, तो भाग देंगे बच्चों तो कितना आएगा 10.17। और दूसरी चीज़ बच्चों यहाँ पर बड़ा मैंने कंडीशन में क्या बताया था कि जब x बार और y बार की कीमत अपूर्णांक में मतलब पॉइंट में हो, तो आप देख सकते हो बच्चों संख्या किस में आई है, पॉइंट में आई है, पॉइंट में आई है, इसका मतलब इसमें ये वाला सूत्र लगेगा। बच्चों दो दो कंडीशन आपको समझ में आ गया, कंडीशन कैसे लग रहा है, सूत्र कब कौन सा लगाना है, आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर बॉक्स रेडी कर देना है, एक्स्ट्रा 3 कॉलम आपको बना देना रहेगा, क्लियर। चलिए अब एक्स वाई कैसे निकलेगा बच्चों, एक्स और वाई का गुणा करना है। चलिए 12 का गुणा 11 में करो बच्चों कितना आएगा 132, 8 का गुणा 10 में करोगे बच्चों कितना आएगा 80, 4 का गुणा 9 में करो बच्चों कितना आएगा 36, फिर 10 का गुणा 7 में करेंगे कितना होगा 70, 8 का गुणा 13 में करेंगे बच्चों कितना होगा 104, फिर 11 का गुणा 16 में करेंगे कितना होगा 176। बस अब इन सभी का टोटल मारो बच्चों, इन सभी का टोटल मारो कितना आएगा 598, क्लियर। चलिए एक्स स्क्वायर कैसे आएगा बच्चों, बस ये एक्स है ना बच्चों, 12 का वर्ग क्या होगा, 12 का वर्ग होगा 144। मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था बच्चों पहले वाले वीडियो में, ठीक है, अगर नहीं पता तो जाके सीख लेना, ठीक है। चलिए 8 का वर्ग क्या होगा बच्चों 64, 9 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना होगा 81, नहीं पता चले कैसे निकाला जा रहा है तो 9 को दो बार गुणा करो, 9 गुणे 9 कितना होगा 81, 8 गुणे 8 कितना होगा 64, 12 गुणे 12 कितना होगा 144, 10 का कितना होगा, 10 गुणे 10 कितना होगा बच्चों 100, 8 का वर्ग क्या होगा 8 गुणे 8 कितना होगा 64, 11 क्या होगा 11 गुणे 11 करोगे कितना होगा 121। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता ना वर्ग क्या होता है, इसीलिए बता रहा हूँ बच्चों ध्यान से सीख लो, ठीक है। चलिए y का वर्ग कैसे निकलेगा, y का वर्ग 11 का वर्ग क्या होगा बच्चों, तो 11 गुणे 11 करो कितना होगा 121, 10 का वर्ग 100 कैसे आया 10 गुणे 10 करो। चलिए 4 का वर्ग 16 कैसे आया 4 गुणे 4, 7 का वर्ग 49, 7 को दो बार गुणा करो। चलिए 13, तो 13 का वर्ग 13 को दो बार गुणा करो 169, 16 को दो बार करो कितना आएगा बच्चों बताओ जल्दी 256 आएगा, ठीक है। अब चलिए एक्स स्क्वायर का टोटल मारो बच्चों कितना आएगा 574, वाई का टोटल मारो कितना आएगा 711। बस सभी का टोटल मैंने मार दिया बच्चों, आपका 90% काम यहाँ पर हो गया बच्चों, बॉक्स हमारा रेडी हो गया। बस अब हमें क्या करना है, सूत्र में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखो सूत्र में क्या लिखा है बच्चों, चलिए n n देखो बच्चों कितना है, तो यहाँ पर देखो n आपने कितना निकाला है 6। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों, चलिए n कितना है, n है 6, x माइनस एक्स बार, तो यहाँ पर देखो x माइनस एक्स और y, तो x और कितना दिया बच्चों 598 दिया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 598 माइनस सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स बच्चों किसको बोलते हैं ये, तो सिग्मा एक्स कितना दिया 58, तो यहाँ पर 58 गुड़े सिग्मा वाई, सिग्मा वाई देखो कितना दिया बच्चों 61, तो यहाँ लिखेंगे 61, क्लियर। चलिए समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे लिख रहा हूँ बच्चों, बस अगर आपको ये चीज़ें पता होगा बच्चों आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर पाओगे। चलिए एन कितना दिया है 6, अब एक्स स्क्वायर बोला है, तो एक्स स्क्वायर मतलब ये कितना है बच्चों 574, तो 574 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये रहा एक्स कितना है बच्चों 58, तो 58 का होल स्क्वायर कितना होगा बच्चों, वो हम कैलसी से निकाल लेंगे। चलिए अब उसी तरीके से एन कितना है
छः, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर देखो कितना है, 711, 711 माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना है, 61 का वर्ग, 61 का वर्ग। बस वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या करना है बच्चों, देखो इन दोनों का गुणा करो, कैलसी के अंदर इन दोनों का गुणा करोगे कितना आएगा, 35, 88। अब इन दोनों का गुणा करो बच्चों कितना आएगा, 35, 38 आएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब बच्चों इन दोनों का गुणा करो, 574 गुणा 6 करो कितना आएगा, 34, 44। चलिए 58 का वर्ग कैसे निकालोगे, 58 गुणे 58, 58 को दो बार गुणा करो, 58 गुणे 58 करो बच्चों कितना आएगा, जल्दी बताओ, 33, 64। क्लियर। चलिए अब 711 गुणे 6 करो, करके बताओ कितना आएगा, 42, 66। 61 का वर्ग, 61 को दो बार गुणा करो, 61 गुणे 61 कितना होगा, 37, 21। क्लियर। चलिए अब इसमें से इसको माइनस करो मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा, 50। चलिए अब इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा, जल्दी भाई जल्दी माइनस करो भाई, कितना आएगा, 80। क्लियर। चलिए इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा, 545। क्लियर। चलिए अब अगर ध्यान से देखते रहो बच्चों, चलिए 50 का 50, अब इन दोनों का गुणा करो, चलो इन दोनों का जल्दी गुणा करो, इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा, जल्दी इन दोनों का गुणा करके बताओ बच्चों कितना आएगा, 43, 600 कितना आएगा, 43, 600 आया। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे 50, अब बच्चों 43,600 आया ना, 43,600 आया ना, उसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखो रूट बना होगा, रूट बनाए तो इस रूट को दाब दो, कितना है बच्चों, तो यहाँ पर लिख दो 208 पॉइंट, क्या लिखा है बच्चों, पॉइंट के बाद चार संख्या लूँ, 80, 61। क्लियर। बस अब इसमें इसको भाग दे दो बच्चों, चलिए कैसे देंगे, 50 भागे 208.8061 कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर देख लो पॉइंट बाद कितनी संख्या लेने का, चार संख्या, अब देखो बच्चों यहाँ पर हो गया। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में क्या बताया था बच्चों, पॉइंट बाद चार संख्या लेने का, लेकिन आपको लिखना कैसे होगा, लिखना कैसे वो देख लो बच्चों, पॉइंट बाद देखो तीसरी संख्या, तीसरी संख्या पांच या पांच से बड़ी संख्या हो तो बच्चों आगे वाले में क्या करने का, एक प्लस कर देने का, ठीक है, तो तीन में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 24 होगा, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों गलती से बेटा 0.23 मत लिखना, नहीं तो आपके सवाल गलत हो जाएगा, या तो बच्चों पॉइंट के बाद चार संख्या लिखना, या तो ऐसे करके लिखना 0.24, मतलब तीसरी संख्या पांच या पांच से बड़ी होते आगे वाले में एक प्लस कर देने का। क्लियर हो गया। तो बच्चों इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, नहीं तो आपके सवाल गलत हो जाएगा, आपके पांच नंबर का नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। बच्चे छोटी छोटी माइनर गलती करते हैं इसलिए सवाल समझ में नहीं आता है, और बाद में कहते हैं सर हमने सवाल सही करके आया, हमारा सवाल का आंसर गलत कर दिया। तो गलत नहीं किया है, आपने गलत लिखा है इसलिए गलत करते हैं वो लोग, ठीक है। क्लियर हो गया। आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। इस बात की गलती आप लोगों को नहीं करना है, मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से लिखना है, ठीक है। या तो पॉइंट के बाद चार संख्या लिखो, या तो ऐसे करके लिख दियो, क्या करो तीसरी संख्या देखने का, पांच या पांच से बड़ी हो तो आगे वाले में एक प्लस कर देने का, बस। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से चला गया तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट पढ़ना चाहते हो स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए तो यहाँ पर देखो बच्चों बॉक्स वगैरह का अगर पढ़ना तो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए तो बच्चों आइयो बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हो गए हैं। अब बच्चों मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आप घर पे जाके प्रैक्टिस करना, और 100% बच्चों याद रखना
कैसे प्रैक्टिस करना, अगर एक ही बार में अगर आपका उत्तर आ जाता है तो समझ जाना बच्चों आपको ये मेथड एकदम अच्छे से आ गया है। अगर एक बार में आंसर नहीं आ रहा है तो समझ जाना आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। क्लियर। चलिए तो उदाहरण नंबर 7वां, उदाहरण नंबर 8वां करना है। तो स्वाध्याय 2.2 का 4th और 5th क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। अगर ये दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो बच्चों तो समझ जाना आपका ये मेथड का कॉन्सेप्ट एकदम हमेशा के लिए क्लियर हो गया। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ कितने लोगों को अच्छा लग रहा है। बच्चे अगर समझ में आएगा तो बच्चों कमेंट करोगे तो तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को अच्छा लग रहा है कितने लोगों को नहीं। देखो बेटा, जैसा भी आपको लगता है बताइए मुझे और मेरी गलती का एहसास कराइए बच्चों। अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ या कहीं कुछ कमी लग रहा है बच्चों तो कमेंट करके बताओ, वो भी मैं सुधारा करूँगा और आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।